ओम नमः शिवाय। सदियों से ही मानव जो है कुछ ऐसे चिन्हों का, कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज़ करता रहा है जिससे कि वो दूसरों के साथ संपर्क कर सके। और ये मायन संस्कृति, हड़प्पा और इन सब में प्राय पाई जाती थी, और आज के युग में भी सिंबल्स का अपना ही महत्व है। सिंबल्स होते हैं एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करने के लिए। ये वो लैंग्वेज थी जो सबसे पहले आई थी मानव इतिहास में। सबसे पहले सिंबल से ही एक दूसरे को अपने विचार आदान प्रदान किए जाते थे, और उन सिंबल्स में से कुछ ऐसे सिंबल्स आए जो कि लकी थे। उन सिंबल्स में कुछ ऐसी मिस्टिक पावर्स थी जो किसी के भी सपने पूरे कर सकती थी, किसी के भी ऐसे विचार जो उत्पन्न होते थे उनको पूरा कर सकती। कुछ ऐसे मिस्टिक यंत्र जो हैं वो मैंने बहुत पुराने समय से निकाले हैं जो कि आज भी यूज़ में आते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित था हमसा हैंड। इसके अवशेष आज भी खुदाई करते हुए मिलते हैं, और ये इतना प्रचलित था कि हर एक धर्म में इसकी मान्यता थी। चाहे हिंदू ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसने इसकी बात ना की हो। हर एक धर्म में इसका उपयोग था और आज भी किया जा रहा है। आखिर क्या खास बात है कि प्राचीन समय से अब तक ये इतना प्रसिद्ध रहा? चलिए जानते हैं कि ये हमसा हैंड होता क्या है। हमसा हैंड एक ऐसा चाम है, एक ऐसा मिस्टिक यंत्र है जिसको अगर आप अपने पास रखें तो ये कमाल की शक्ति आपको दे सकता है। इनमें से एक है नेगेटिव एनर्जी को दूर करना। यदि कोई आप पर बुरे विचार डाल रहा है, कोई दूर बैठा आपका नुकसान करना चाह रहा है, या फिर कोई ईविल आई आप पर करना चाह रहा है, तो उन सब को ये दूर रखता है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि ये इतना पॉपुलर था और आज भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह थी ईविल आई की, क्योंकि ईविल आई को भगाने में सबसे बेहतर यंत्र यही है। अगर कोई काला जादू करे, कोई जादू टोना करे, कोई दूर से आप पर प्रोजेक्ट करे, कोई भी ऐसी शक्ति जो आपका नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो इससे दूर हो सकती है। अब बात आती है कि इसको पहने कैसे, इसकी क्या विधियां हैं और इसको किस तरह से रखा जाए। तो मैं आपको बताऊं तो ये जो हमसा हैंड होता है ये बिल्कुल हाथ के निशान जैसा होता है। अगर आप इसको सीधा पहनते हैं तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक से और किसी भी तरह के काले जादू से। कई लोग कहते हैं कि हमारे पीछे से कोई हवा आती है, कोई हमें धक्का देता है, तो उसमें भी ये चीज़ कारगर है। ये इसीलिए बनी थी कि ताकि इन सब चीज़ों को रोक सके। अगर आप ऐसी बातें किसी डॉक्टर के पास जाकर करेंगे तो आपका मजाक उठाएगा। तो ऐसे में आप ये ट्राई कीजिए, इसको पहनिए, तो इससे जो है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। दूसरी बात होती है कि इसको लक के लिए कैसे पहना जाता है। इसको लक के लिए पहना जाता है, इसका जो हाथ है वो नीचे का होगा, डाउन साइड। अगर इसे आप रखते हैं, इसका फेस डाउन रखेंगे, तो ये आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा और नए से नए अवसर आपकी लाइफ में लेता आएगा। इसको किसी को आकर्षित करने के लिए भी आप उल्टा पहने, और आपको पहनना ऐसे जगह पर है जैसे कि आप अगर गले में पहन रहे हैं तो वहाँ पर आप इसे आराम से देख सकें। आपको इसे छुपाना नहीं है, और जो लोग जानते हैं ब्लैक आई को या फिर काली नज़र को या फिर ईविल आई को, तो उन्हें लग रहा हो कि हमारे ऊपर काला जादू कर रखे है, फिर ईविल आई हो रखी है, तो उनको जो हमसा हैंड है वो कुछ ऐसा चूज़ करना होगा जिसके अंदर एक आई बनी हो। अगर आपको ईविल आई से लड़ना है तो आपको एक ऐसा यंत्र चाहिए होगा हमसा हैंड का जिसके अंदर एक आई बनी हो। अगर वो आई नहीं है तो ये ब्लैक मैजिक को तो दूर कर देगा, लेकिन काली नज़र को दूर करने के लिए इसमें आई बनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के अगर आप यंत्र बनवाते हैं तो उसको प्रतिष्ठित करना पड़ता है, पहले उनमें एनर्जी डालनी पड़ती है तब जाकर वो काम करते हैं। आपको ये बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी जो हम बना कर देंगे। अपनी प्रॉब्लम्स मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर, तो आपके हिसाब से मैं इसको बना कर दूंगा।
और इसमें कौन सा ग्रह नक्षत्र कौन से ग्रह नक्षत्र में आपको पहनना चाहिए या फिर किस दिन आपको पहनना है, इसमें पहनते हुए क्या सावधानी रखनी है, धागा किस रंग का होगा, कौन सी धातु में आपको पहनना है, ये सब कुछ देखा जाता है। जैसे भी आपकी क्वेरी होगी उसी अनुसार मैं आपको बनाकर भेजूंगा। और इसके रेट थोड़े हाई होंगे क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर में ही बनता है। इन दो को छोड़कर अगर आप किसी और में इसको परचेज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो ये किसी काम का नहीं है। और इसको अभिमंत्रित भी किया जाता है, जब इसमें ऊर्जा डाली जाएगी तभी ये काम करेगा, अन्यथा आप सिर्फ अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। एक बार मुझसे सलाह ज़रूर लें अगर आप कहीं और से भी ले रहे हैं या फिर अपने ज्वेलर से बना रहे हैं, ताकि मैं बता सकूं कि आपको ये कैसे बनवाना है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 999-2846-1625 पर। धन्यवाद।